मैडम स्पीकर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौके के ऊपर, इस अहम मसले के ऊपर मुझको बोलने का मौका दिया। मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद है। मैं मिनिस्टर साहब के जरिए, मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये चीज लाना चाह रहा हूं कि आने वाले इस गर्मा शिद्दत का चालू हो चुका है और पानी की तकालीफ अभी से चालू हो चुकी है, तो इसके लिए मुयस्सर इकदाम उठाने की जरूरत है। तो जिस तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कल भी अपनी गवर्नर की स्पीच के अंदर कहा था कि एक इमरजेंसी तौर के ऊपर इमीडिएटली एक मीटिंग बुलानी चाहिए, मिनिस्टर साहब की सदारत के अंदर अगर वो मीटिंग होगी तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जो तकालीफ को हमको आने वाले दिनों के अंदर जो तकालीफ से हमको लड़ना है उसके लिए इकदाम कर सके। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि बालसट्टी खेत रिजर्वर तो तैयार हो चुका है और अनखरीब जंक्शन भी हो जाएगा। इसको चंचलगुड़ा रिजर्वर के अंदर जो पानी, जो इनलेट आ रहा है, वो इनलेट से इसको कनेक्ट किया गया है। वैशाली नगर से जो पानी हमको जो मिल रहा है, जो एलोकेटेड वाटर जितना मिल रहा है, वही पानी कम पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये, आपको, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि जितना पानी बालसट्टी खेत को जा रहा है उतना पानी हमको एक्स्ट्रा अलाट कीजिए। अलॉकेट होना जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि एक तरफ पानी देने के लिए दूसरी तरफ के लोगों को प्यासा रख दिया जाए। तो मैं ये चाहूंगा कि वो पानी एक्स्ट्रा दिया जाए और प्रोजेक्ट के काम, जो साउथ जोन के प्रोजेक्ट के गैप वर्क्स, जो 900 करोड़ के लागत से जो काम किए गए थे उसके गैप वर्क्स कंप्लीट होना अभी कई कॉन्स्टेंसी के अंदर बाकी है, वो काम रुके हुए हैं। हमने एमडी साहब से भी बात की थी तो उनका कहना है कि जीएचएमसी फंड डिपॉजिट करना है, जो जीएचएमसी ने फंड डिपॉजिट नहीं किया। एक बार जीएचएमसी फंड डिपॉजिट कर देगा तो हम 900 करोड़ रुपए जो लगाकर काम करे हैं वो सिर्फ 150 करोड़ रुपए के लिए वो काम रुके हुए हैं, तो पूरे के पूरे काम कोई यूज में नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो फंड इमीडिएट डिपॉजिट करे ताकि वो जो गैप वर्क बाकी है उसको हम मुकम्मल कर सकें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप अनसर्व्ड एरियाज के अंदर जहां पर टैंकर से सप्लाई की जाती थी वहां पर वाटर लाइन कई जगह पर डाली गई, वाटर लाइन डालने के बाद वहां पर टैंकर से जो सप्लाई होती थी मैक्सिमम एरियाज के अंदर टैंकर बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हैसो मौजूदा पानी बस नहीं हो रहा, इसके लिए हमको एक मैसर प्लान बनाने की जरूरत है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाए ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो हमको तकालीफ हो उसके लिए हम इकदाम कर सके। शुक्रिया। वीडियो మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి, మరిన్ని వీడియోలను పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।